री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेल पर एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ था अभ्यर्थी के माध्यम से, जो कि लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली के आपसी संबंधों को लेकर के था। वहां पर यह सवाल पूछा गया था कि सर संसदीय शासन प्रणाली क्या है और क्या यह जो है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ही संभव है। यदि इस सवाल का जो है विश्लेषण किया जाए तो दो प्रश्न बनते हैं, एक तो ये कि हम लोकतंत्र को थोड़ा सा समझें, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली को समझें, और तीसरा इस बात को देखें कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और क्या जो है संसदीय शासन प्रणाली केवल लोकतंत्र में ही संभव है। तो हम इन चीजों को थोड़ा सा इस रूप में जो है देखते हैं। लोकतंत्र ये जो है सिस्टम है, शासन प्रणाली का एक सिस्टम है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि डेमोक्रेसी इसका जो है इंग्लिश रूपांतरण है, डेमोक्रेसी से ये जो है हिंदी में जो है लोकतंत्र के रूप में आता है। और लोकतंत्र जैसा कि नाम ही है, लोक एक ऐसा शासन प्रणाली होता है जहां पर शक्ति जो है जनता के हाथों में निहित होती है और जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन का संचालन करता है। चूंकि आज के दौर में जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जनसंख्या पूरी तरीके से शासन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करता है। इसीलिए जो है लोकतंत्र के जो दो रूप जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बनते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र बनता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको सामान्य शब्दों में जो समझें, कहने का तात्पर्य है कि जो शासन संचालन हो रहा है किसी भी देश में, तो वहां पर शासन संचालन की वैधता और वहां पर शासन करने की जो शक्ति है वो जनता से प्राप्त होता है इस शासन प्रणाली में। अब ये बात और है कि उसे शक्ति कैसे प्राप्त होता है, ये वहाँ की चुनाव प्रणाली पर निर्भर करती है। अलग अलग देशों की अपनी अपनी जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप में जो है पाया जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप में जो है प्रति 5 वर्ष के जो है अंतर पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो उनके माध्यम से जो है सरकार का गठन होता है और शासन का संचालन किया जाता है। तो इंडिया में जो है लोकतंत्र है और ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जो है संचालित होता है। आज की डेट में पूरी दुनिया में जो है ऐसा संभव नहीं है कि पूरी जनसंख्या जो है शासन में पार्टिसिपेट करे, इसलिए व्यवहारिक स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में था। पहले के समय में स्विट्जरलैंड या इस तरीके से कुछ यूरोपियन कंट्री, चूंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम थी, तो कुछ कैंटन में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है पाया जाता था। लेकिन आज की डेट में जो है ऐसा कोई देश नहीं है या व्यवहारिक स्तर पर यह संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के केवल इतना समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ पर शक्ति की जो वैधता या शक्ति जो है जनादेश के माध्यम से जनता जो है किसी को देती है और उसके माध्यम से उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन होता है। अब हम आते हैं संसदीय सरकार या संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय जो है शासन प्रणाली, इसको हम समझते हैं। संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय होता है, और कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका से लिए जाते हैं और वह अपने कार्य और नीतियों के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है व्यवस्थापिका के प्रति और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग अगर फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा और आसान होगा आप लोगों को समझने के लिए। जो है जैसे प्रतिनिधि की यहां पे बात हुई, प्रतिनिधि जनता ने जो है प्रतिनिधियों का चुनाव किया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जनता लिख देते हैं, और जनता ने जो है चुनाव किया, चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि, इन प्रतिनिधियों से जो है वो सरकार का गठन हो रहा है। जैसे इसकी परिभाषा है ना कि
दोनों में समन्वय होता है, दोनों में समन्वय होता है और सरकार जो है या कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका, अब इसको यहां पे एक लाइन और अगर हम बढ़ा दें तो इन्हीं को ही जो है व्यवस्थापिका कहा जाता है, व्यवस्थापिका। और यहां पे अगर एक लाइन बढ़ा दें तो इसको जो है कार्यपालिका कहा जाता है। ये दोनों शब्द राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते हैं और ये दोनों शब्द जो है राज्य व्यवस्था में प्रयोग होते हैं, क्योंकि इसके पूर्व के कक्षाओं में अगर आप देखेंगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जो है जाकर के जो है चैनल के प्रारंभिक जो वीडियो देखेंगे तो उसमें संविधान एवं राज्य व्यवस्था बताया गया है। तो ये सरकार जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तुलनात्मक राजनीति में हम लोग अध्ययन करते हैं, परंतु यहाँ पर जो है जब हम संविधान का जो है व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन को देखते हैं तो वो प्रतिनिधि और सरकार के रूप में होता है। तो इस प्रकार के शासन में जनता जो है चुनाव करती है प्रतिनिधियों का और यही प्रतिनिधि मिलकर के व्यवस्थापिका होते हैं। सरकार में समन्वय का तात्पर्य होता है कि सरकार के सदस्य जिसे मंत्री कहा जाता है, विभिन्न स्तरों के मंत्री होते हैं, ये जो है यही से जो है बने होते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य व्यवहारिक स्तर पर अगर देखा जाए, यदि हाल में ही जैसे एमएलए का जो है चुनाव हुआ, विधायक जो है बने उससे, और उनमें से सभी विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाता है, और ऐसा भी रूल भी है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के जो है माध्यम से कि अब केवल जो है अधिकतम 15% ही जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं, टोटल की संख्या का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये एक अलग रूल है, फैक्चुअल है, लेकिन इसी के साथ हम बता दे रहे हैं। तो सरकार के सदस्य इसी से बने, सभी विधायक मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अनुभवी या सरकार के ऐसे जो है राजनीतिक दलों के ऐसे व्यक्ति विधायक होते हैं जो अनुभवी होते हैं, जिनमें विशिष्ट प्रकार की योग्यता होती है कि वो किसी भी विषय पर, किसी विभाग का अगर मंत्रालय स्तर पर मुखिया बनाए जाते हैं तो उसका इस स्तर तक मार्गदर्शन करेंगे जिससे जनता का कल्याण होना संभव हो सके। तो यहाँ पे सरकार जो है वो प्रतिनिधियों से मिलकर के जो है बनती है। अब सरकार जो है क्या करती है, सरकार जो है नीति निर्माण का कार्य करती है, नीति निर्माण और निर्णय निर्माण का काम करती है, नीति जो है बनाती है, और यह नीतियां बनाई किसके लिए जाती हैं, पुनः जो है जनता के लिए जो बनाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जनता ने चुनाव किया प्रतिनिधियों का, ये प्रतिनिधि मिलकर के व्यवस्थापिका बनते हैं, व्यवस्थापिका से कार्यपालिका बन कहा है, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं यानी जिसको मंत्री कहा जाता है, वह मंत्री जो है इन्हें विधायक व्यवस्थापिका के जो है विधायकों से बन रहे हैं, या अगर केंद्र सरकार की हम बात करें तो वहां पर सांसदों से जो है बनाए जाते हैं, और यही जो है व्यवहारिक स्तर पर सरकार के नाम से जो है जाने जाते हैं। सरकार नीति निर्माण और निर्णय निर्माण का काम करती है, और किसके लिए कर रही है, जनता के विकास और कल्याण के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो शक्ति इन्होंने जनादेश के रूप में प्रतिनिधियों को दिया, उन्होंने सरकार बनाया, सरकार ने पुनः जो है जनता के हित के लिए कल्याण बनाया, और यहाँ पे ये दोनों ही जनता जो है एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई है, यहाँ से जो है पुष्टि प्रतिपुष्टि का काम जो है किया जा रहा है, यहाँ से पुष्टि प्रतिपुष्टि की मतलब सरकार, ये दोनों ही जो है एक दूसरे के जो है स्तर पर अगर देखा जाए दोनों स्टेज पर, तो यहाँ जनादेश इसके पास है और यहाँ पे उसको नीति निर्माण और विकास के कार्यों से जो है लाभ मिल रहा है, उसका विकास हो रहा है। यदि कोई भी सरकार इस रूप में शासन का संचालन नहीं करती जिससे कि इनका कल्याण हो सके, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव में जो है पुनः राजनीतिक दल, चूंकि राजनीतिक दल तो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सदस्य जो है सरकार के रूप में आते हैं जिनको व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने परिभाषा जो देखा था उसका पहला वाक्यांश पूरा होता है कि संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में समन्वय होता है। कहने का मतलब जब ये बड़ी जो है बड़ा निकाय है, ये छोटा है, यहाँ के जो सदस्य हैं वो यहाँ से लिए जा रहे हैं तो आपस में समन्वय है। अब दूसरी बात यह है कि सरकार जो है जनता के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करता है, विकास संबंधित कार्य करता है, और अपने इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो है इसके प्रति, अगर यहाँ है तो यहाँ के प्रति और यहाँ है तो यहाँ के प्रति, अब उसको व्यवहारिक स्तर पर यह कहा जाता है तो सरकार कहा जाएगा, तो प्रतिनिधियों के प्रति कार्यपालिका है तो वह व्यवस्थापिका के प्रति
उत्तरदायी जो है होता है प्रत्यक्ष रूप से और अंतिम रूप से जो है वो जनता के प्रति होता है, क्योंकि व्यवस्थापक के सदस्य इनके द्वारा जो है चुने जाते हैं, जो कि 5 वर्ष के बाद जो है एक नियतकालिक चुनाव से आते हैं। और यहाँ तो सत्र चलता है 6-6 महीने में जो है इनका जो अधिकतम जो है सत्र के बीच का समय हो सकता है, बाकी सत्र जो है अलग अलग तरीके से चलते हैं, मानसून सत्र है, बजट सत्र है, इसी तरीके से जो सत्र जो है चलते रहते हैं। तो इन सत्र में जो है यहाँ के सदस्य जो होते हैं व्यवस्थापिका के सदस्य और कार्यपालिका के सदस्यों से सवाल पूछते हैं विभिन्न विषयों पर, जिससे जो है कार्यपालिका को संतुष्ट करना होता है व्यवस्थापिका को। अगर ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिससे जो है इन्हें या सरकार को हटाया भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये चीज समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुमत होता है, व्यवहारिक स्तर पर अगर इसको समझा जाए कि राजनीतिक दलों को यहाँ पे बहुमत होता है इसलिए सरकार नहीं गिरती है, लेकिन जब कभी भी जो है कोलिशन गवर्नमेंट या मिली जुली सरकार होती है तो वहाँ पर सरकार अगर अपने एजेंडे या अपने जो भी समझौते हुए बिंदुओं पर काम करने पे उसमें खरा नहीं उतरती है तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर के ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका में समन्वय होता है, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका से लिए जाते हैं, कार्यपालिका जनता के विकास और कल्याण के लिए नीतियां बनाती है और अपने इन सभी कार्यों के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के प्रति और अंतिम रूप से जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। यह जो है व्यवस्थापिका संसदीय शासन प्रणाली का जो है एक कार्य होता है। अब संसदीय शासन प्रणाली की जो है विशेषता आप देखेंगे तो ये विशेषता भी जो है यहीं से निकल करके आती है। विशेषता अगर देखेंगे तो यहीं से निकल करके आती है कि इसमें जो है समन्वय होता है, सरकार व्यवस्थापिका से जो है बनती है, उत्तरदायी होती है, जैसा कि अभी बताया गया है। और चूंकि यहाँ पे कई दल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यदि सरकार मिली जुली नहीं हुई तो कार्यकाल की जो है यहाँ पे अनिश्चितता होती है, कार्यकाल की अनिश्चितता। अब इसमें जो है ये विशेषताएं हो गई। अब अगर इसमें जो है गुण और दोष को भी जो है देखेंगे तो गुण जो है इसका ये है कि ये जो है उत्तरदायी सरकार के रूप में होती है और दोष के रूप में देखेंगे तो ये जो है होता है कि यहाँ पे अनिश्चितता पाई जाती है। तो इस रूप में संसदीय शासन प्रणाली को जो है हम परिभाषाओं के द्वारा, फ्लो चार्ट के माध्यम से, पुनः जो विशेषताओं के माध्यम से और पुनः जो है गुण और दोष के आधार पर इसको हमने समझा। और इसी पूछे गए जो सवाल का एक पहला पार्ट ये था कि क्या संसदीय शासन प्रणाली लोकतंत्र में ही संभव है। तो ऐसा अगर वैश्विक स्तर पर हम अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र नहीं है वहाँ, इसके बावजूद भी संसदीय शासन प्रणाली वहाँ पर पाई जाती है। संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है कि वहाँ पे चुनाव होते हैं और उसके माध्यम से सरकार बनते हैं, सरकार शासन का संचालन करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है सरकार तो ये है, संसदीय शासन प्रणाली सरकार है, लेकिन जो शासन प्रणाली है वो वहाँ पे राजतंत्र पाया जाता है, क्योंकि सम्राट और साम्राज्ञी वंशानुगत होते हैं, वो वंश के आधार पर अपने पद को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से जो है इस सवाल का जवाब यही है कि कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में ही जो है संसदीय शासन प्रणाली हो सकती है, बल्कि अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ब्रिटेन इसका जो है जीता जागता उदाहरण है। तो कुल मिलाकर के जो है पूछे गए सवाल का जो है जवाब हम लोगों ने जो लोकतंत्र, संसदीय शासन प्रणाली और इन दोनों के जो संबंधों के आधार पर देने का जो प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में जो है हम पुराने टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।